Welcome to Daddy's Candy School channel. I hope you all are fine, and today's my video is for class 4 for science. And first of all, I would like to show you a book. So look at the book cover. This is your science book, and today's I am going to start your new chapter. So this is your new chapter, your first chapter. आपके first monthly का ये first chapter है, तो हम आज ही start करेंगे और इसका हम copy work भी start करेंगे. So as we know that our body is like a wonderful machine. जैसे कि आपको पता है हमारी body जो है एक wonderful machine है. तो हमारी आज जो topic है तो उसमें अपनी body के बारे में पढ़ेंगे, अपनी body की part के बारे में पढ़ेंगे. और and each part of our body perform different task and different job. हमारी body का हर जो part है वो different function perform करता है, different task perform करता है, उसका different purpose है. इस तरीके से हम एक मशीन ले लें, अगर कोई मशीन है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. अगर एक मशीन है उसमें भी एक पार्ट नहीं होगा बल्कि बहुत सारे पार्ट्स होंगे उसमें, और हर पार्ट क्या कर रहा होगा, अलग अलग काम कर रहा होगा. इस तरीके से हमारी बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट क्या करता है, डिफरेंट काम परफॉर्म करता है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं और कितने कितने मतलब क्या क्या फंक्शन हैं उनके. तो हम एक लिस्ट देख लेते हैं जो पार्ट्स हमारे इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए गए हैं, उसकी मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ. सो तो इस चैप्टर में जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सप्लेन किए गए हैं वो ये 10 पार्ट्स हैं. बोन्स, मसल्स, लंग्स, हार्ट, टीथ, स्टमक, ब्रेन, आईज, ईयर्स एंड माउथ. तो ये सारे पार्ट्स जो हैं हमारे इस बॉडी में, मतलब बॉडी के पार्ट्स हैं, ये एक्सप्लेन किए गए हैं. तो हम वन बाय वन इसे एक्सप्लेन करेंगे और देन मैं आपको आपका कॉपी वर्क बताऊँ. सो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, बोन्स. तो बोन्स क्या होती हैं, देयर आर 206 बोन इन आर बॉडी. हमारी बॉडी में कितनी बोन्स है, 206 बोन्स. दे आर ज्वाइन टुगेदर टू मेक अप अ स्केलेटन. और हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है वो बोन्स से मिलके बनता है, और वो कितनी बोन्स है, 206. द स्केलेटन गिव द बॉडी इट्स शेप. हमारा जो स्केलेटन है, हमारी जो बोन्स का स्केलेटन है, हमारी बॉडी को शेप करता है और हमारी बॉडी को फिट करता है. मतलब हम जो स्ट्रांग है वो अपनी बोन्स की वजह से हैं. तो ये जो हमारी बॉडी की शेप है वो किससे, इन बोन्स के थ्रू है. जो हमारी बॉडी एक शेप में आती है, एक स्केलेटन जो है हमारा, वो सब इन बोन्स से ही मिलके बनता है. तो हमारी बॉडी की जो शेप किससे आ रही है, इन बोन्स से आ रही है. तो उसका फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, उसे शेप देना, तो ये हमारे स्केलेटन को सपोर्ट करती है. नाउ सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, मसल्स. तो देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आर बॉडी. हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स हैं. एंड सम ऑफ द मसल्स हेल्प यू टू बॉडी टू मूव. और जो हमें हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं वो कौन है, हमारे मसल्स हैं. जो हमारी बॉडी मूव करती है और हम कोई काम करते हैं तो हम अपनी बॉडी को मूव करना पड़ता है, तो उस कौन हेल्प कर रहा है, उसे मसल्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की मूविंग में. एंड थर्ड पार्ट लंग्स. तो लंग्स ना, हम अपनी बॉडी में जब तक सांस ना ले, अगर हम सांस नहीं ले सकते तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हम जी नहीं सकते. तो हमारी बॉडी में जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, मतलब जो सांस लेने का प्रोसेस चलता है, वो कौन करता है, वो हमारे लंग्स परफॉर्म करता है. तो हमारी बॉडी का पार्ट जो है लंग्स, वो हमारे सांस लेने में, हमें ब्रीथिंग प्रोसेस करने में, मतलब हमें सांस लेने में ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सब प्रोसेस कौन कर रहा है, हमारे लंग्स परफॉर्म कर रहे हैं. नंबर फोर हार्ट. हार्ट हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट है. अगर हमारा हार्ट पंप ना करे तो हम बेकार हमारी बॉडी है. मतलब हार्ट पंप करता है वही सारी बॉडी में सर्कुलेट, मतलब बॉडी के हर पार्ट इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन हार्ट पंप कर रहा है तो इंसान जिंदा है. सो द हार्ट इज़ पम्प दैट इज़ ऑलवेज वर्किंग. हमारी बॉडी को हर वक्त वर्किंग कर रहा है तो अभी हम जिंदा हैं अब तक. इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसका साइज भी डिफरेंट साइज होते हैं हार्ट्स के. एट स्पीड्स हमारा पम्प करता है हार्ट और सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में ब्लड. हमारी जितनी भी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं वो सब कौन कर रहा है, हार्ट. तो इसका फंक्शन क्या है, ब्लड को सर्कुलेट करना, पम्प करना. तो ये हमारे हार्ट का फंक्शन है. हमारे पास आ जाता है टीथ. सो टीथ क्या करता है, टीथ हेल्प अ पर्सन यूज योर माउथ टू ईट, स्पीक, स्माइल एंड गिव शेप टू देयर फेसेस. ईच टीथ हैज़ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट फंक्शन. हमारी जो बॉडी में जो हम खाते हैं, हमारे दांत से हम चुइंग करते हैं और हमें बोलने में भी हेल्प करता है, हम स्माइल करते हैं तो तब भी काम आता है. और उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं. हमारे सारे दिन जो दांत हैं वो एक ही साइज़ के नहीं हैं या एक ही शेप के नहीं हैं, बल्कि डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज के हैं. तो और सबके फंक्शंस बहुत डिफरेंट हैं. तो ये एक लेंदी है चैप्टर, मतलब लेंदी टॉपिक है, तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे. मतलब हमारे जो आगे का टॉपिक है तो इसमें सारे टीथ, मोलर्स, तो ये सारे जो हैं एक्सप्लेन करेंगे हम, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में. अभी फ़िलहाल हमें टीथ के फंक्शन के बारे में पढ़ना है.
तो टीथ के बाद हमारे पास आ जाता है स्टमक। तो मेन स्टमक हमारा क्या करता है, स्टमक टेम्प्रेरी स्टोरेज फॉर फूड। जो स्टमक है हमारा वो टेम्प्रेरी स्टोरेज है, मतलब कि हमारा जो खाना कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है, तो ये क्या है, टेम्प्रेरी है, मतलब सारी ज़िंदगी के लिए नहीं स्टोरेज होता, बल्कि वो भी डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी से निकल जाता है। लेकिन क्या है, टेम्प्रेरी स्टोरेज कहाँ होता है, हमारे स्टमक में होता है। तो इसका फंक्शन क्या है कि अपने फूड को स्टोर करना टेम्प्रेरी। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेन। ब्रेन का फंक्शन क्या है, द ब्रेन इज़ द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन आर बॉडी। हमारी बॉडी के जो तमाम पार्ट कर रहे हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा होता है, जो हम कुछ भी सोच रहे हैं या कुछ हमें कुछ करना है, किसी भी पार्ट को हम यूज़ करें, लेकिन उसके लिए हमारे दिमाग जो थिंकिंग है, जो सोचता है हमारा माइंड, तो वही सबको, मतलब कि इट सेंड आउट ऑफ रिसीव हंड्रेड ऑफ मैसेज एवरी सेकेंड। हमारे सेकेंड्स में हमारा ब्रेन हमें बता रहा होता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो पूरा जो कंट्रोल है मसल्स का, सेंस का, ऑर्गन्स का, द बॉडी टेम्परेचर, ये सब कंट्रोल किसके हाथ में, हमारे ब्रेन के हाथ में। सारे नर्व सिस्टम, ये सब कौन, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है आइस। सो द आइस आर लाइक टू टाइनी कैमराज इनसाइड द हेड, दिस सेंड अ स्ट्रीटली स्ट्रीम ऑफ पिक्चर बैक टू द ब्रेन, दे आर द स्पेशल सेल्स इन द आइस विच हेल्प यू टू सी कलर्स। हमारी बॉडी जो होती है वो, मतलब हमारी ब्रेन के पहले, सबसे पहले तो हम जो देख रहे होते हैं, तो हमारी सबसे पहले उसकी जो पिक्चर होती है हमारी ब्रेन में जाती है, मतलब हमारे दिमाग उसको एक्सेप्ट करते, तब जाके हमें उसकी पिक्चर नज़र आती है। तो ये सेकंड्स का प्रोसेस होता है, जो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे आँखों से हम देख रहे हैं, हमारा माइंड भी उसके साथ साथ काम कर रहा है। तो जो हमारी आइज़ हैं वो एक कैमरा की तरह काम करती है, जिस तरह कैमरा किसी चीज़ को फीड कर लेता है या स्टोर कर लेता है, तो इस तरीके से हमारी आंखें भी क्या होती हैं, हर चीज़ को फीड कर लेती हैं हमारे दिमाग में कि ये चीज़ हमने देखी है। तो हमारे जो देखने का जो काम है वो कौन करता है, हमारी आइज़ करती हैं। इसके बाद आ जाता है एयर्स। तो एयर्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और जिससे हम सुनते हैं, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट जॉब टू डू। हमारी जो बॉडी में जो पार्ट है उसमें बहुत अहम काम अदा करते हैं ये। डिफरेंट साउंड वेव्स विच आर द टाइनी वाइब्रेशन ऑफ एयर एंड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ब्रेन कैन अंडरस्टैंड। जो हमारा दिमाग को जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, जो हमारी जो आवाज़ें हमारी जो आती हैं, तो हमें एक वाइब्रेशन सी होती है हमारे कानों में, जो कोई चीज़ हमारे सुनते हैं तो हमारे कानों से वो हमारे दिमाग तक जाती है, और फिर जाके हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसके बाद माउथ। माउथ हमारा जो है, सो माउथ इज द ओपनिंग स्टेज ऑफ डाइजेस्टिंग ट्रैक्ट। जो हमारा माउथ है वो मेन, मतलब सबसे पहले हम जो खाना खाएंगे हम कहाँ से खाएंगे, हम पहले खाना खाएंगे तभी तो हमारे स्टमक में जाके स्टोर होगा। हम जो खा रहे हैं, हमारा ईटिंग प्रोसेस है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये थे हमारे 10 पार्ट्स, तो जो हमने एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद आप जो अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन करें, तो आपकी कॉपी के नंबर 8 पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, व्हाट इज़ द फ्यूल ऑफ फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो उसका आंसर्स आपके सामने हमने लिख दिया है, अ फूड इज़ द फ्यूल फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो आंसर नंबर 1 आपका इसमें लिखा हुआ है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाइनी पार्ट्स दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर है, टाइनी पार्ट्स दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड सेल्स। नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी बोन्स मेक अप द ह्यूमन स्केलेटन। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी भी है, 206 बोन मेक अप द ह्यूमन स्केलेटन। नंबर 4 है आपका क्वेश्चन, हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन द बॉडी। सो देयर आर 600 मसल्स इन आर बॉडी। नंबर 5 है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ हार्ट। द हार्ट पंप ब्लड to all the different parts of the body. Number 6, we have, what is the digestion mean? The process of breathing down of food into tiny pieces so that the body can use it, called digestion. Question number 7, what type of cells are found in the brain? The brain is made up of millions of cells called nerve cells which carry message to and from the all parts of a body. तो ये हैं हमारे 7 क्वेश्चंस जो आपके पेज नंबर 8 पे मौजूद हैं। तो इसके आंसर्स मैंने आपको बता दिए, तो ये आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लेंगे अपनी नोटबुक में। और इसके नीचे ही आपके पास है पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड फंक्शंस। तो ये तमाम तरह बॉडी के फंक्शंस मैंने अभी आपको बताएं, तो ये आपके लिए एक टास्क है कि आप इसको खुद मैच करेंगे। स्केलेटन आपको पता है किससे मिलके बनता है, बोन्स से। स्टमक आपको पता है उसका पर्पज़ क्या है, टीथ, लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन। ये सारे फंक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। और इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप सबसे पहले अपनी कॉपी कैसे मेंटेन करेंगे। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शन टू हाउ मेंटेन योर कॉपी। मस्ट कीप इन द माइंड, मेंशन द डेट, यूज ब्लू कलर फॉर हेडिंग्स, मेंटेन योर कॉपीज वेल एंड कीप देम नीट एंड टाइडी। काइंडली फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस। आपको अपनी कॉपी को
डेट ज़रूर डालनी है उसको, ब्लू कलर से हेडिंग्स वगैरह जिस तरीके से क्वेश्चन आप यूज लिखते हैं उस तरीके से, और अपनी कॉपी को नीट एंड टाइडी रखना है, आपको उसको स्कूल आने से पहले गंदा नहीं करना है। ये आपको कॉपी वर्क है और ये आपको वो वर्क है जो आपके इंशाल्लाह आप स्कूल ओपन होंगे तो आपके काम आएगा। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।